नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 में विषय हिंदी में काव्य 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता, इसका पहला भाग हमने पढ़ा। आज हम दूसरे भाग में अगली काव्य का अगला भाग पढ़ेंगे। हमने देखा कि हम सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का आभार मानते हैं। इस काव्य में हमने देखा कि भगवान तू हमें इतनी शक्ति दे कि जब भी हम मुश्किल में हो तब तुम्हारे पर का हमारा जो विश्वास है वो कभी कम न हो। आगे जहाँ से हमने काव्य छोड़ी थी उसका अगला हिस्सा यह है। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। यानी हम सभी को खुशियाँ ही बांटना चाहते हैं, खुशियों के फूल ही बांटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सबके जीवन में सुख शांति हो, सबका जीवन फूलों की तरह सुगंधित और प्रफुल्लित हो, इसीलिए सबका जीवन कैसा बने, मधुबन यानी बगीचे के जैसा बने। अपनी करुणा का जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। कवि कहते हैं कि भगवान तू अपनी करुणा का जल बहा कर सबके जीवन यानी सबका मन जो है वो कैसा बना दे, एकदम पावन पवित्र बना दे। आगे है, हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में खो गए हैं, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे और खो न दे इस अज्ञान के अंधेरे में, हम अपने आप को कहीं खो न दे, इसीलिए तू हमें रोशनी दे और अपने आप को खो के कहीं खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। अपने आप को हम कहीं इस अज्ञान के अंधेरे में कहीं खो न दे, हम सजा पाए अपने किए की। कवि कहते हैं कि हमने जो भी गुनाह किए हैं, भूल की है, जो भी पाप किए हैं उसकी सजा हम यहीं पाए, मौत भी हो तो सहले खुशी से, और उसकी सजा अगर मौत भी हो तो भी हम उसे खुशी से सह लेंगे। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे आने वाला वो कल ऐसा होना। आज जो हमारे साथ बुरा हुआ है वैसा प्रभु आने वाले कल में ऐसा ना हो, आने वाला कल आज से बीते हुए कल से अच्छा हो ऐसा करना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ इस दुनिया में हम जहाँ देखते हैं चारों तरफ बस जुल्म ही जुल्म, भ्रष्टाचार, लांच, रुश्वत, ऐसे गुनाहों से भरी दुनिया पड़ी है। हर तरफ मानव जो इंसान है वो बेबस सा फिरता है, सहमा सहमा सा यानी डरा डरा सा आदमी रहता है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, और इसकी वजह से क्या होता है, धरती पर पाप का बोझ बढ़ता ही जाता है। जाने कैसे ये धरती थमी है, ये धरती इस पाप के बोझ को ना जाने कैसे उठा के चलती है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। कवि कहते हैं कि तू ये सारा बोझ अपनी ममता से तू उठा ले। ममता यानी माँ का जो प्रेम होता है, प्यार होता है, वो अपनी माँ जो होती है, माँ वो बहुत ही अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। तो भगवान तू भी माँ की तरह ये सारा बोझ उठा ले और हम सबको बचा ले, तेरी आज रचना का अंत ना हो। भगवान की यह बनाई सुंदर रचना, ये हमारी धरती है, मानव सृष्टि है, प्रकृति है, इसकी रचना का अंत ना हो, इसकी वजह से भगवान तू हमें इस सब से बचा ले। यह हमारा यह काव्य पूर्ण होता है। आओ हम शब्दार्थ पहले देखते हैं। नेक यानी ईमानदार, जुल्म यानी अत्याचार, अर्पण यानी समर्पित, मधुबन यानी उपवन बगीचा, पावन यानी पवित्र, सहमा सहमा सा डरा हुआ सा, ये थे हमारे शब्दार्थ।
यहाँ हमारी काव्य पूर्ण होती है। काव्य पूर्ण होने के बाद हिंदी विषय में जब भी कोई प्रकरण या पाठ पूरा होगा तब उसके बाद उस पाठ का 20 मार्क का एक यूनिट टेस्ट यानी टेस्ट होगा, प्रश्न पत्र होगा 20 मार्क का, वो आपको अपनी CW की नोट में लिखना है। फिर बाद में उसको हम मंगवाएंगे, जब भी बोलेंगे तब आपको वो देके जाने का। यहाँ हमारा पहला काव्य पूर्ण होता है। नमस्कार।